अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं राणा अब्दान मुदस्सर। बहरिया टाउन कराची में डेस्परेट सेलर्स की तादाद देखने में आया कि बहुत बढ़ गई है, ख़ास तौर पर ऐसे सेलर्स जो कहते हैं कि फ़ौरन से हमारी प्रॉपर्टी बिके, पैसे हमारे हाथ में आ जाएं और हम लोग बहरिया से जान छुड़वाना चाह रहे हैं। तो ये सादा अल्फाज में एक टॉपिक था जिसको डिस्कस करना, हमारे जो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट्स किए जाते हैं वहाँ पर बेशुमार लोग ऐसा लिखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं हुई, हमारे रेट्स कम होते चले जा रहे हैं। तो जो डेस्परेट सेलर्स हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है आपको सजेशन के तौर पर, आप लोगों की राय मेरी राय से मुख्तलिफ भी हो सकती है, हमेशा हम लोग आपकी राय को भी वर्थ देते हैं, समझते हैं, देखते हैं। कमेंट बॉक्स में से जो भी चीज़ें डिस्कस होती हैं हम उनको फर्दर अपनी वीडियोस का टॉपिक बनाते हैं। तो हमारे लिए आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके मुताबिक पर उसको मुनासिब हद तक रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो डेस्परेट सेलर्स के लिए मेरा पैगाम, मेरा मैसेज है या मेरी राय है वो कुछ इस तरह से है कि अभी हर वो बंदा जिसकी प्रॉपर्टी रेडी है, रेडी टू बिल्ड है, वो प्लॉट हो और बिल्कुल हर तरह के जो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं अगर वहाँ पर वो पूरे हैं, और आपका अगर फ्लैट है, आपका अगर विला है, तो आप लोगों को मार्केट के बुरे रेट्स पर अपनी प्रॉपर्टी बेचनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो डोंट सेल योर प्रॉपर्टीज ऑन बैड रेट्स, ऑन नेगेटिव रेट्स, मेरा ये मैसेज है ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो लोगों की बेशुमार प्रॉपर्टीज इस वक्त मार्केट में कम से कम रेट पर सेल होने के लिए आ जाती हैं। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आपको वेट एंड सी वाली सिचुएशन पे जाना चाहिए। देखिए, न्यूज़ पर रिलाई करती है मार्केट, नो डाउट, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें सामने आती हैं। जब इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर हर तरह की चीज़ें इस प्रोजेक्ट का और इस मार्केट का हिस्सा बनेंगी, लेकिन आप लोगों को इस वक्त हम लोग बायर्स को वेलकम करते हैं कि आपको बाय करना चाहिए, बिकॉज रेट्स आर वेरी लो, जो अनबिलीवेबल लो रेट्स हमें मिल रहे हैं, वो विलाज में, प्लॉट्स में, इवन अपार्टमेंट्स में, जहां भी आपको कम रेट्स मिलते हैं हम तो बाइंग के लिए जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं। अभी वक्ती तौर पर 35% जो चार्जेस हैं उनको डिले में डाला गया, पोस्टपोन किया गया, तो अभी मौका है उन लोगों के लिए जो बाइंग चाह रहे थे, जो सेलिंग चाह रहे थे, लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर आप लोगों को यानी अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कोई खुदा ना खास्ता मजबूरी या कुछ इस तरह का काम नहीं है, तो आप लोगों को अपनी रेडी प्रॉपर्टी जो मैं कह रहा हूँ वो सेल नहीं करनी चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी जो फाइल्स की फॉर्म में है, जहाँ नॉन डेवलप या नॉन एग्जिस्टिंग एरियाज़ में आती हैं, या कोई लीगल इशूज़ हैं जहाँ पर, उनको डिस्पोज ऑफ करें, उनको एक्सचेंज प्रोग्राम में लेके जाएँ, उनको एडजस्ट करें। लेकिन जो आपकी रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक विलाज हो गए, प्लॉट्स आपके डेवलपमेंट के साथ मौजूद हैं, आज वो बेसिक जितना भी डिस्टेंस बन रहा है, कोई भी वो एरिया पैराडाइज हो, स्पोर्ट्स सिटी हो, बहरिया टाउन कराची का नया पुराना कोई भी एरिया हो, लेकिन अगर डेवलपमेंट के साथ मौजूद है, तो आप लोगों को मेरा मशवरा, आप अपनी प्रॉपर्टी इस वक्त इस स्टेज पर सेल नहीं करें अगर वो डेवलपमेंट हो चुकी है। तो अगर वहाँ पर आप लोगों को डेवलपमेंट के आसार नज़र नहीं आते, तो आप लोगों को एडजस्टमेंट या मर्जिंग या जो भी मार्केट में कोई 10 किस्म की ऑप्शन चल रही हैं, उन ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। तो ये एक मेरा छोटा सा मैसेज था अपने डेस्परेट सेलर्स के लिए कि आप लोग डेस्परेशन शो ना करें, आप लोगों को आइडियल रेट्स कभी नहीं मिलेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, मशवरे के लिए आप लोग देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू वेरी मच।